यो व्हाट्स अप। तो बहुत टाइम बाद मैं वापस आया हूँ अपने व्लॉग के साथ, और इस बार मैं एक नहीं दो व्लॉग्स के साथ आया हूँ, और दोनों के दोनों बड़े कल्चरल हैं। ये व्लॉग पार्ट वन है एक तरीके से, ये है व्लॉग अमृतसर का, और मैं अमृतसर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ क्योंकि अमृतसर में मैं बचपन में पढ़ा हूँ और फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ा हूँ, और मैं 10 साल बाद वापस अमृतसर जा रहा हूँ। देखो आगे क्या हुआ, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस ब्लॉग के अंदर, बहुत कुछ एंजॉयमेंट में है। आता हूँ मैं वापस ब्लॉग के बाद, फिर बात करते हैं। मम्मी वेट कर रही है हमारा रेलवे स्टेशन, डांट सुनाई जा रही है कि लेट हो रहा है लेट हो रहा है। 11 बजे की ट्रेन बोल रही हैं जबकि 10:30 यहाँ आराम से बैठ के खा रहे हैं, उनको एक कॉल नहीं आया। ज़रूर 2 बजे की ट्रेन होगी। ट्रैफिक मचा पड़ा है यार, अभी हो रहे हैं 12 बज रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था मम्मी झूठ बोलेंगी, 1:30 बजे की है ट्रेन। निज़ामुद्दीन के मेट्रो स्टेशन के पास में मयूर विहार फेज़ 1 पे पहुंचा मैं। वहाँ के ऑटो वाले ने कहा कि यहाँ से दूर है 9 किलोमीटर। बंदा बड़ा शाना निकला, घुमा के मुझे वहीं पे ले आया, 100 रुपये भी ले गया। ये भी अलग ही दुख है। डेढ़ बजे की है ट्रेन और 11:30 बुला दिया मुझे। यहाँ बच्चों की पिकनिक भी हो रही है लगता है। मौसम बहुत अच्छा है आज, और मेरी एक सोशल मीडिया फ्रेंड भी मुझे मिल गई थी यहाँ पे। अभी मैं उससे व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा यार अजीब लगता है यार, जिससे पहली बार मिल रहा सोशल मीडिया के थ्रू वो इंसान फिर कहेगा व्लॉग में ले रहे हैं हमको हैं। तो मौसम तो बहुत अच्छा है यार आज का। वेट ही हो गया रे हमारे साथ, 1:30 बजे की भी नहीं 2 बजे की ट्रेन है, 12:01 हो रहे हैं, 2 घंटे बैठे रहेंगे यहाँ पर वेट करते रहेंगे। हमारी माँ आराम से अपनी जॉब निपटा के आएंगी, कट गया हमारा। लगता है चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं किसी को। ओए बिस्किट, आई गॉट 2 बिस्किट पार्टनर। ओए भाई साहब, ये कैसा हेयर कट है, पूरा किसी ने रेजर घुमाया किसके सर पे। मिल गए हमारी माता जी। क्या लाइयो, क्या कुलचे छोले? तो ट्रेन चल पड़ी है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ओ क्या बात है, हो रही अपनी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, यमुना बैंक की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब। प्यार से चल रही है इसलिए मेरे को डर नहीं लग रहा, तेज चलेगी तो मैं पाताल दिख जाएगा भाई। मुजफ्फरनगर पहुंच गए अभी तक, रात का टाइम हो गया है। आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ दिन में, शाम में पहले उसे समाप्त करता हूँ। आज मेरे बगल में एक पुलिस वाली आंटी बैठी और मेरी मम्मी और उनकी बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई और बहुत सही बात हुई, और अभी भी इंटरेक्शन चल रही है। मेरी मम्मी एक वृंदावनी भैया जो इस्कॉन टेंपल में पढ़ाते हैं, एक दादू जिनका सूरत में कपड़ों का बिज़नेस है, और एक आंटी जिनका भी कुछ बिज़नेस ही है, इनका सही चल रहा है बातें शातें। चलो अभी बस पहुँचते थोड़ी देर में अमृतसर, देखते हैं वहाँ पर जगतार अंकल से मिलते हैं जिनके बेटे की शादी है। बड़ी काट के फिर आटा में मिलाई हुई है, हल्दी भी थेपले थेपला थेपला जो मैं घर पे पालूंगा, मैं प्रसाद तैयार रखता हूं। वो धड़क रहा था, जगन्नाथ जी के सूत्र पर नहीं। हां बंदे नहीं बनाए थे वो, अच्छा वो मूर्ति काट जी काट काट के बनाई थी। बचपन में सरदार थे, अब तो मोने हो गए। तो भैया अब जाके मैं ऊपर गेस्ट रूम में आया हूँ, मम्मी तो नीचे चाय पी रही है। इतने टाइम बाद अपने ओल्ड लाइफ से मिल रहा हूँ, मैं फिफ्थ क्लास में जगतार अंकल से मिला था जो सरदार के लुक में थे। आजकल यहीं एंड करते हैं, चेंज करता हूँ, ये झाड़ को ठीक करता हूँ अपने सर के। कल शादी नहीं है बाय द वे, कल एंगेजमेंट है। पंजाब की सुबह, क्या बताऊं,
माहौल बड़ा सही है। 10 साल बाद मैं सो आया हूँ यार, सुबह के यहाँ पर 8 बज रहे हैं, दिल्ली में बारिश हो रही है, मुझे मैसेज में पता चला। मुझे पता नहीं पंजाबी में क्या लिखा है, पढ़ना नहीं आता, पर ठीक है इतने टाइम में पंजाबी लैंग्वेज देख के भी अच्छा लग रहा है। फोटोग्राफर लेनी देनी करता रहता है, फोटो खिंचाते हैं फोटोग्राफर इतनी फोटो बनाने के चक्कर में। ये होते हैं पढ़ाकू लोग, डिपो के सामने सो गया भाई, सबको बुक लेनी होगी। हाँ तो भाई कल का तो एंगेजमेंट बहुत अच्छी गई, जा रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल, थोड़ा टाइम मिला तो स्कूल भी मैं अपना पुराना बचपन वाला देख पाऊँगा। गुरुद्वारे की तरफ जलियांवाला बाग तो लिखा हुआ है पंजाबी में, जलियांवाला बाग स्मारक। राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें एक नई जान फूंक दी थी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर चूर हो गया। साल के लड़के ने भी यह खबर सुनी, आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। भगत सिंह था द्वारा लिखा है, तूने आसमां का इंकलाब खोल आँख और देख, अब हिंदुस्तान का इंकलाब। जफर अली खान था। मौत का कुआं देख, कुआं देख लेंगे। पढ़ाओ कौन, इसमें कोई निशान आते नहीं। फाइनली 10 साल बाद मैं वापस उसी जगह पे आया, किस्मत की बात है कि आया मैं यहाँ पर। थोड़ा पार्ट सुनते हैं। मेरा
प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बैठे बैठे मन लग रहा है बहुत। बचपन की यादें ताज़ा तो हो जाएंगी लेकिन यहाँ पर मन शांत हो जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है यार। सुबह के 4:30 ट्रेन है, आप जा रहे हैं अमृतसर से। बहुत अच्छा दिन बीता और बहुत कुछ याद आएगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस इस बार का। अब देखते हैं 4:30 की ट्रेन पे, 4:30 की ट्रेन ही थी या मम्मी फिर 6 बजे तक बिठाएंगी। बाय बाय अमृतसर। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, मेरी अमृतसर की जर्नी अच्छी लगी हो, वहाँ के हिसाब से आपने पार्ट सुने हो, आपको सब अच्छा लगा हो, वहाँ पर आपके दर्शन अपने मन से हो गए हो वाहेगुरु जी के सामने। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ट्राई टू मेक इट रीच एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, ताकि और अच्छी रीच लेके आऊँ, और अच्छे ब्लॉग्स लाऊँ, और अच्छे कंटेंट लाऊँ, और अच्छा एंटरटेनमेंट लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।